हम लोगों ने ये सारी हमने क्या किया, कैटेगरीज बना ली है। इस कैटेगरीज के हैं, हमने आईटी में बनाया क्लाउड हार्डवेयर वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट। अभी ने आई इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे कैटेगरीज का, वो हम जब पोस्ट क्रिएट करेंगे तब। तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे जाएंगे, पोस्ट के अंदर हमें मिलेगा और फिर यहाँ पे हम पोस्ट का टाइटल डालेंगे। जैसे पेज का टाइटल होता था वैसे पोस्ट का भी टाइटल होगा। अब इसमें अगर हमने कुछ टाइटल से डालने हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल सामने दे दिया, ठीक है, HTML ट्यूटोरियल्स और हमने ये टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे हमें ये हमारा टाइटल हो गया, हमने इस पे क्लिक कर दिया टाइटल से। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें वीडियोज लगाने हैं HTML से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे चलते हैं कुछ यूट्यूब के चैनल पे चलते हैं और यहाँ से हम HTML ट्यूटोरियल्स में हमने माई इंडिया सर्विस का कुछ उसका चैनल्स देख लेते हैं। इसमें अपने वीडियोस पे चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू। यहाँ पे HTML वाले वीडियोस HTML के प्लेलिस्ट पे चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इस प्लेलिस्ट में हमें HTML का यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, देखिएगा, यहाँ से हमने क्लिक कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा प्लेलिस्ट हो गया। अब इसमें जिस भी HTML के वीडियोस को हमें लगाना होगा उसको हम यहाँ से प्ले करेंगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ से URL हम कॉपी करेंगे। या तो हमारे पास एक शेयर में जाएंगे ना, तो इसी में हमारे पास एम्बेड का ऑप्शन होता है, तो हम इधर से भी एम्बेड कर सकते हैं, या तो हम इस URL को कॉपी करेंगे, दो में से एक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसमें हम प्लस पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए एम्बेड का ऑप्शन कहीं पे मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो EMBED एम्बेड को हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखते हैं यहाँ पे एम्बेड YouTube आ रहा है, YouTube पे क्लिक करते हैं, एक एम्बेड का ऑप्शन है ना ये, तो एम्बेड पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब एम्बेड में क्या करेंगे, इंटर URL टू एम्बेड हियर। इसके बाद हम जो URL वहां से कॉपी किए थे इधर से HTML के ट्यूटोरियल्स का, इस URL से इसको हम यहाँ पे लाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे और एम्बेड पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें क्या करेगा, उस वीडियोज को इसमें ला करके रख देगा। तो हमारी ये पोस्ट क्या हो जाएगी, इसमें पब्लिश करना रहेगा तो हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अब ये पब्लिश करते हैं यहाँ से, आपको व्यू करके देखना है तो देख भी सकते हैं यहाँ से अपनी पोस्ट किस तरीके से पोस्ट दिखेगी। यहाँ से हम व्यू करके देखते हैं तो ये हमारी पोस्ट ऐसे दिख जाएगी। हमारे पास ये देखिए कौन सी कैटेगरीज में है, ये अनकैटेगरीज है, इसको हम कैटेगरीज पहले चेंज करते हैं। कैसे कैटेगरीज चेंज करेंगे, यहाँ पे हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे और पोस्ट के अंदर चलते हैं। हमारे पास जो सारी पोस्ट डली हुई है तो इसमें से हमें कैटेगरीज अगर देखें तो ये पोस्ट हमारी आईटी से रिलेटेड थी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। हम उसी टाइम पे भी कर सकते थे बट यहाँ पे हम लोगों ने किया नहीं था, तो हम इसमें डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरीज में ये अनकैटेगराइज्ड दिखा रहा है, तो हम इसमें आईटी को दिखा सकते हैं। आईटी में हमारे पास अगर ये वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो वेब डिजाइनिंग को सेलेक्ट करेंगे। अब फिर से इसके बाद क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद अगेन हम व्यू पोस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आईटी के अंदर वेब डिजाइनिंग दिखा रहा है और ये किसके थ्रू पोस्ट किया गया है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये चीजें हिडन रहें तो आप इसको भी कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, डैशबोर्ड से ही जाके करना रहेगा, बट इसको हम बाद में देखेंगे कहाँ से ये चीजें हम हाइड और अनहाइड करेंगे। बट अभी पोस्ट क्यों बनाते हैं और कैटेगरी क्यों बनाते हैं, पोस्ट के लिए, ठीक है।